नमस्कार प्रकाशक के पटल पर किसे कहानियों की महफिल लेकर एक बार फिर हम सब साथ हैं। नूतन सवेरा रुचिवाही मासिक रोजा साहित्य अकेडमी अद्यतन कला संगम पॉजिटिव न्यूज नेटवर्क और वाइटिंग एंटरटेनमेंट का ये जो संयुक्त प्रयास है साहित्य के इस सफर में आगे बढ़ते रहने का और नए नए रचनाकारों से नए नए साहित्यकारों से जुड़ते रहने का उस सफर में आज की ये शाम कुछ खास तरीके से बीते ये मुझे पूरी उम्मीद है। और इस खास शाम की खास मेहमान है हमारे बीच जानी मानी कथा लेखिका आदरणीय डॉक्टर रश्मि रवि जी। बहुत बहुत स्वागत है रश्मि जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। रश्मि जी का अगर हम उनकी साहित्य यात्रा का जिक्र करें तो एक बहुत ही अर्थपूर्ण और सामयिक और संवेदनाओं के स्तर पर एक बहुत ही ज्यादा मजबूत हस्ताक्षर अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा आज के शामियाने उपन्यास को महाराष्ट्र साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार मिल चुका है और बहुत सुंदर उपन्यास है। मैंने भी पढ़ा है ये बंद दरवाजों का शहर ये कहानी संग्रह है। खुसरो दरिया प्रेम का बाईसों की जुबानी इन्नर साझा कथा संग्रह ये भी प्रकाशित हो चुके हैं और इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में कहानी और आलेख प्रकाशित होते रहते हैं। आकाशवाणी मुंबई से कहानी और वार्ताओं का नियमित प्रसारण और विविध भारती गोल्ड एफएम और बिग एफएम से कहानियां प्रसारित होती रहती हैं। तो रश्मि जी आज प्रकाशित के इस पटल पर हमारे साथ हैं। इनके साहित्य के इस जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में तो हमने बात की। रश्मि जी से पूछ लेते हैं कि इन उपलब्धियों की तरफ बढ़ने का जो सिलसिला था वो कब और कैसे शुरू हुआ? अगर मेरे दोस्त देखे हैं तो उनको ये घबराव लगेगा बट फिर भी मैं कोई नए जुड़े लोग होंगे तो उनके लिए आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है रश्मि जी। आवाज अभी नहीं आ गया? हाँ अब आई थोड़ी सी, मतलब लग रहा है जैसे बहुत दूर से और बहुत मफल्ड आ रही। मैं तो यही हूँ, मतलब जैसे करती हूँ हमेशा रहती हूँ और मैं भी आ जाऊँगी। हाँ तो हमारे ठीक आ जाइए या तो फिर या ईयरफोन लगा लीजिए। ईयरफोन लगा तो आपको थोड़ी सा दो मिनट के लिए बंद करना होगा जी। ये कि आवाज आ रही है ना? अभी तो आ रही होगी। हाँ हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। ओके हाँ तो फिर क्या थोड़ा मैं दूर से इसलिए अभी आ रही है ना आवाज। हाँ तो कुछ सहेलियाँ जुड़ गई हैं यहाँ से और जैसा आपको अगर कोई नया जुड़े नया सुनना चाहे तो मैं बताऊंगी कि मैं बचपन से साहित्य में रुचि थी। हमारे जैसे मेरी बहुत ही प्रिय पत्रिका घर लोग तो हमारे बचपन से हमारे घर आता था तो पापा मम्मी सब पढ़ते थे पापा लोग और हमें चंदा मामा हमारे लिए आता था। चंदा मामा नंदन पराग चंदा मामा में मैंने मैं कहूँगी कि मैंने उसी वक्त महाभारत पढ़ लिया, मतलब मैं तीसरी चौथी कक्षा में उसकी धारावाहिक रूप से महाभारत आता था तो वहाँ पर मैं वो पढ़ती थी। फिर लेकिन हमें कहानियाँ वहानियाँ पढ़ने की थोड़ी मनाही थी बट क्या है कि छुप छुप के हमें जैसे आप मैंने पढ़ा हुआ जैसा साहित्य हम लोग छुप छुप की कहानियाँ भी पढ़ लेते थे। इसके समझ में नहीं आती थी उन दिनों से बाला देवी मति जोशी शिवानी इनों की धारावाहिक कहानियों को पढ़ते मैंने लिखने का भी पढ़ने अभी पढ़ने लगी नॉवल। हम लोग के समय उतना नॉवल नहीं मिल पाता था हमें तो आज कल उसकी लाइब्रेरी वगैरह में होती थी तो स्कूल की लाइब्रेरी से कॉलेज की लाइब्रेरी से मैं किताबें लेती थी। और आवाज से क्लियर नहीं है अभी आप बोल रहे हैं? क्लियर नहीं है आपको? आप अगर ईयरफोन ले लेंगी तो अच्छा रहेगा। ओके तो मुझे दो मिनट का समय दीजिए आप लाइव हो रहा बिल्कुल बिल्कुल प्रकाशित
नताशा के मंच पर जो किस्से कहानी की महफिल होती है बहुत खास होती है, और शाम का रविवार का वक्त होता है। अक्सर हम लोग छुट्टियों की एक सुंदर सी शाम की परिकल्पना करते हैं और उस परिकल्पना को साकार करने में प्रकाशक की जो कहानियों वाली शाम होती है ये बहुत ही ज़्यादा बहुत उस परिकल्पना के करीब है कि कोई एक सुंदर सी कहानी एक अच्छी सी आवाज़ में और उस कहानी के साथ साथ शाम धीमे 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 करती है। तो रश्मि जी भी वापस लौट आई हैं हमारे बीच में, और रश्मि जी तब तक हेलो अपना जी अब बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी आवाज़। ओके ओके हाँ, थोड़ी ये एयरफोन लगाने से मोबाइल रखने में मुश्किल होती है, बट दैट्स ओके। हाँ हाँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास चारू शुक्ला जी जुड़ी हैं, उन्होंने कहा कि आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आवाज गूंज रही है। निर्देश निधि जी ने कहा आवाज साफ नहीं है। अभी तो ठीक आ रही है ना, ठीक करें। हाँ अभी बिल्कुल सही आ रही है, तो उन सभी की शिकायतें दूर हुई और आप रश्मि जी पूरी तरह से हमारे साथ। तो जैसे मैं बता रही थी कि पत्रिकाएं पढ़ती थी, फिर किताबें पढ़ती थी, और जो भी किताबें हमें मिल जाती थी उन दिनों अच्छी बात थी कि पॉकेट बुक्स के रूप में हमें शिवानी वगैरह की पतली पतली किताबें मिल जाती, तो हमें जहाँ से भी थोड़े से पैसे मिलते कुछ भी 10 रुपया कोई देकर गया तो हम भागते थे बुक्स की तरफ और हम वहाँ से पढ़ते थे किताबें। फिर मैंने कॉलेज की लाइब्रेरी से बहुत किताबें पढ़ी, वहाँ पे वहाँ ये देवदास और सारा गुनाहों का देवता, मतलब सारी किताबें, अंधेरे बंद कमरे, और फिर बच्चन जी का पूरा जो था आत्मकथा, क्या भूलू क्या याद करूं, ये सब मैंने पढ़ा। लेकिन मैं साहित्य में पढ़ती नहीं थी, मैं साइंस था, मेरा विषय साइंस था, ये सिर्फ रुचि थी। फिर पढ़ते पढ़ते मैं लिखने भी लगी थोड़ा, कुछ प्रतिक्रियाएं होती, जब आप पढ़ते हो तो आपके मन में प्रतिक्रिया आती है और आप मतलब उसको संप्रेषित करना चाहते हो, तो फिर वो मैं एक पत्रिका में ऐसे ही कुछ, जैसे शायद ज़्यादातर लोगों की शुरुआत पाठकों के पत्र से होती है, मेरी भी शुरुआत वैसे ही हुई, डायरी लेखन से मेरी शुरुआत नहीं हुई, लेकिन मेरी पाठकों के पत्र मैंने एक पत्रिका में लिखा था, एक क्रिकेट सम्राट में, उसमें उसने लिखा था कि लड़कियों को क्रिकेट से कोई वास्ता नहीं होता, तो मैं क्रिकेट की बड़ी शौकीन थी, अभी भी हूँ, तो मैंने उनको बहुत कड़ा पत्र लिखा और तीन नाम से लिखा मैंने, और वो ऐसा हुआ कि उन्होंने तीनों नाम छाप दिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। उसने तीनों पत्र छाप दिए और एक नीचे माफ़ी भी मांगी, और मैंने अलग अलग शहरों के नाम लिखा था, मैं हॉस्टल में रहती थी तो एक वहाँ का लिखा था, फिर एक मम्मी के घर का लिखा था, एक ने निहाल का एड्रेस दिया था, रश्मि रेशु मेरे घर का नाम से लिखा था। तो फिर इस तरह से मुझे अच्छा लगने लगा, थोड़ा हौसला मिला कि मैं लिख सकती हूँ, वो छप सकता है, लोग पढ़ते हैं, तो इस तरह से मैं। और धर्मियों में एक युवा स्तंभ आता था, धर्मियों में साप्ताहिक हिंदुस्तान में, तो उसने मेरी बहुत मतलब मदद की, क्योंकि लिखने में और वो छपने में बहुत लिखती थी, अभी तक मेरे पास कटिंग मैंने संभाल के रखी है। लेकिन इसके बाद जैसा ज़्यादातर होता है शादी वादी हो गई, हालांकि शादी से मेरे लिखन में कोई भी बाधा नहीं आई, इसलिए कि मतलब मैं लिखती रहती, अभी भी मैं बच्चे संभालते घर करते हुए सब लिखती हूँ। लेकिन हुआ क्या कि मैं मुंबई आ गई, और जैसे राजुल जी भी हम शहर हैं तो हमें पता है कि मुंबई में हिंदी का कोई ज़्यादा है ही नहीं अस्तित्व। आप किसी बुक स्टॉल पर जाइए तो वहाँ आपको मलयालम गुजराती मराठी पत्रिकाएं मिलेंगी, हिंदी की पत्रिका नहीं मिलती, हिंदी की पत्रिका तो बिल्कुल नहीं। तो मेरा हिंदी से नाता धीरे धीरे कट गया था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि मेरे पढ़ने की रुचि नहीं ख़त्म हुई थी, तो मैं अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ने लगी थी। हमारे कॉलोनी में लाइब्रेरी थी, 2-3 लाइब्रेरी, मैं अंग्रेज़ी की पढ़ती थी किताबें, उसका भी एक अलग किस्सा है वो मैं बताऊँगी, क्योंकि मैं अंग्रेज़ी के बेस्ट सेलर्स के नाम नहीं जानती थी, तो मैं कुछ भी मतलब क्या भूली सी खड़ी रहती थी। फिर वहाँ धीरे धीरे एरिक सीगल को पढ़ा, फिर क्या हुआ था, मैं पूरी एक रैक की पूरा रैक खाली कर देती थी, जैसे एरिक सीगल एक अच्छा लगा तो उनकी सारी किताबें पढ़ गई, डैनियल स्टील ऐसे, लेकिन लिखने का बिल्कुल ही छूट चुका था, बिल्कुल मतलब मैं सोचा ही नहीं था कि मैं कभी लिखूंगी। फिर इंटरनेट पर हिंदी आया जिसने काफ़ी लोगों की दोबारा दूसरी पारी की शुरुआत की, तो मेरी भी लेखन की दूसरी पारी की शुरुआत ही समझिए। मैंने एक अजय ब्रह्मात्मा जी का एक ब्लॉग था चवन्नी छाप, तो मैं उसको पढ़ती थी, पढ़ते पढ़ते मेरा मन हुआ कि मैं भी अपनी फिल्मों से शुरुआत करूं, मैं भी अपनी फिल्मों से जुड़े अनुभव लिखूं। उसमें
काफ़ी लोग अपनी वो लिखते थे, मतलब फिल्म कैसे उन्होंने देखना शुरू किया, कैसे क्या क्या कठिनाई आई, कैसे भाग के देखते थे, कौन सी फिल्में अच्छी लगी। तो मैंने लिख के उन्हें डरते डरते भेज दिया, उन्हें बहुत पसंद आया, फिर उन्होंने उसे पब्लिश कर दी और छाप दिया। तो बहुत लोगों के फ़ोन उनके पास आए, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ उतनी फिल्में नहीं देखती, या कुछ भी हो, बिहार की हो तो बिहार से शायद जो भी हो, तो सबको बहुत पसंद आया। कुछ ने मेरी हिंदी की तारीफ की, तो फिर से विश्वास जगा। फिर अजय भैया का पूरा श्रेय जाता है मुझे दोबारा लेखन में लाने के, अजय परमात्म जी का, कि उन्होंने मुझे ब्लॉग बनाने के लिए प्रेरित किया, कहा तुम ब्लॉग बनाओ। अच्छा, मैं ना 17-18 साल में मैं कहानियां और उपन्यास में लिखती थी, मैंने मेरी शुरुआत उपन्यास से ही थी, लेकिन मैंने उसे छपने कहीं नहीं भेजा था, लेकिन मेरे पास उसको सहेज के रखा हुआ था। तो उन्होंने कहा, उन्होंने जब पता चला तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो किस्तों में तुम उपन्यास डाल दो अपने ब्लॉग बना के, लोग पढ़ेंगे। लेकिन मैंने जब ब्लॉग बनाया तो उपन्यास की बारी बहुत बाद में आई। और जैसे कि आप बताती हैं कि वो मतलब आसपास की चीज़ों के बारे में मैं इतना ज़्यादा लिखती थी कि बहुत बाद में एक दूसरा ब्लॉग बनाना पड़ा मुझे उपन्यास डालने के लिए। तो इस तरह से शुरुआत हुई। फिर पत्रिका, पत्रों में लेख लोग के छापने लगे, फिर पत्रिकाओं में मांगे, फिर ये आकाशवाणी से होने लगी, फिर धीरे धीरे। और फिर मैंने उपन्यास कांच के शामियाने लिखा, फिर कई कहानियाँ लिखी और आजकल थोड़ा कम लिख रही हूँ। तो ये थी मेरी छोटी सी जर्नी। हाँ, पता नहीं मुझे भी, मतलब अपने आप को मैं करती रहती हूँ, पता नहीं कुछ तो है, थोड़ा कम लिखना हो रहा है, तो कोशिश तो करती हूँ। शायद अभी थोड़ा सा रुक जाता है, फिर से एक बार फिर से तेजी से आएगा। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं बिल्कुल अभी थोड़ा, मैं आप लोगों को जो मेरे दोस्त हैं उनको पता है कि आजकल मैं चिड़ियों के पीछे बहुत हूँ, तो उनकी फोटो लेने हैं, उनके लिए घूमने, शायद उसमें ज़्यादा उलझ गई हूँ। ये लॉकडाउन का एक मुझे अच्छा उपहार मिला है कि लॉकडाउन में जैसे सब मैं खिड़की से चिड़ियों को देखने लगी थी, सब लोग हम लोग घर में के अंदर बंद थे, तो वहाँ से फिर मैंने चिड़ियों की फ़ोटो लेनी शुरू की। फिर धीरे धीरे जब थोड़ा लॉकडाउन में ढील दी गई तो मैं जाने लगी जहाँ जहाँ हरियाली है काफ़ी, मैनग्रोव्स हैं, आप जानती हैं बॉम्बे में कहीं कहीं मैनग्रोव्स को बचाने के लिए बहुत मुहिम चल रही है, तो वहाँ पे नई नई चिड़िया। और अभी तक मुझे खुशी होगी कि आज भी मैंने एक नई चिड़िया देखी है, मैंने 49 टाइप की चिड़ी बर्ड्स देख चुकी हूँ अभी तक, और मैंने सबका नाम लिखा। यस यस, तो इसलिए शायद थोड़ा, हाँ बिल्कुल, आज भी मुझे एक नई चिड़िया दिखी है। तो चिड़ियों का कलेक्शन और उस पर कोई अच्छी सी किताब देखना, लोग कह रहे हैं, लेकिन अभी बहुत शुरुआत है, लोग कहते हैं मैं आपके पास तो जैसे कांच के शामियाने, मैं बताऊं कि मैंने पहले पहल मेरी हमारी और रश्मि जी की एक साझा जो कुल है बीच में, वो है नेहा शर्मा। और नेहा शर्मा से मुझे भी पढ़ने का उतना ही वो है, और हम लोग किताबें और लिखना ये सब करते रहना, हमारे और नेहा के शौक काफी कुछ मिलते हैं, छोटी भी है वो, तो उससे कुछ है। और मेरी छोटी बहन सी है बिल्कुल। हाँ, तो उसी के उससे एक बार किताबों का आदान प्रदान होते होते दिन रश्मि जी की किताब का जिक्र किया और वो किताब पहुंची और फिर मैंने पढ़ी, तो पता चला कि ये पास में ही है, अरे मुंबई में ही हमने साढ़े वहां तो जरूर इनसे मिलना चाहिए, इनको लिखना चाहिए, तो मिल तो नहीं पाई, लेकिन इनको अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखी और उनसे बात जरूर जरूर। मुझे कांच के समय जी 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 बोलिए, आप बोलिए। नहीं, मैं कह रही थी मुझे कांच के श्यामाने ने बहुत दोस्त दिए हैं, बहुत लोगों से मिलवाया है वो उपन्यास, मतलब, और मुझे अच्छा लगता है कि उस उपन्यास को किसी एक ने नहीं पढ़ा, किसी जिसने भी जिसके पास भी है उसने 2-4 लोगों को पढ़वाया है, तो काफी इससे दूर तक पहुंची ये बात, तो सबका शुक्रिया के माध्यम से। और मिलने का अवसर आज मिल रहा है प्रकाशक जी 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 जी, अभी तो अच्छा लग रहा है बहुत रश्मि जी से मिलकर और बात करके, चिड़ियों से प्रेम है आपका और बहुत ज्यादा बहुत। तो जो प्रेम का एक स्वरूप ये भी है रश्मि जी। हाँ बिल्कुल, और अभी आज बसंत का मौसम है, आज मैं कहूंगी बताऊंगी आपको, आज सेमल के पेड़ पे फूल आ गए हैं, बसंत में आते हैं, उस फूल पे रोजी स्टारलिंग, इसका हिंदी नाम मुझे अभी नहीं पता है, मैना की एक होती, पूरा उनका झुंड, इतनी खुश हो गई देखकर, तो वहां पर बहुत मतलब अच्छा लग रहा था उन्हें देख के चिड़ियों को। सॉरी, ये ईयरफोन लगाने से थोड़ी मुश्किल तो होगी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, सब अपने ही लोग हैं यहाँ पे, सब बात पहुंच रही है, और आपकी जितनी
आपके मित्र हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। आर्यन शर्मा जी, आप सलीम अली की राह चल पड़ी हैं। और नहीं नहीं कानों को हाथ लगा लूंगी। वंदना बाजपेयी जी कह रही है लेखन में पॉज आता है पर उम्मीद है आपके अगली कहानी में चिड़िया जरूर होंगी। देखिए थैंक यू वंदना जी, आप सोच रही हैं बात कह रही और निर्देश बहुत शुक्रिया। और इसके साथ हमारे बीच हैं सुधा त्रिपाठी शुक्ला हैं, और भी लोग हैं उसके लिए मुझे स्क्रोल ऊपर करना पड़ेगा। हम बात कर रहे थे चिड़ियों की, चिड़ियों से प्रेम की, प्रेम का जो जैसे ये महीना ही चल रहा है प्रेम का। और मैं ये बता दूं सफर जो भी है हमारे साथ कि रश्मि जी से मैंने जब जिक्र किया था तो कहानी पढ़ने के लिए मेरे मन में एक बात ये जरूर थी कि रश्मि जी से किसी प्रेम कथा के बारे में बात करें। प्रेम कथाएं वैसे पढ़ने में भी अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और पढ़ने में भी अच्छी लगती है, लेकिन चूँकि ये बहुत ज़्यादा प्रेम का ही महीना है, बसंत है, फरवरी है और बिल्कुल वैलेंटाइंस गुजर के गया है जो कि एक घोषित तयशुदा दिन बन चुका है जिसको कहा जाता है कि बहुत ज्यादा प्रचारित दिन है। तो इन सब चीजों के बीच में एक चर्चा थोड़ी सी प्रेम पर भी हो जाए। रश्मि जी की नजरों में प्रेम क्या है? मैंने कहा था कि इस प्रेम देखिए प्रेम का क्या है, देखिए हृदय में जो भी अच्छी कोमल भावनाएं हैं, प्रेम का कोई ये वैलेंटाइंस डे वाला प्रेम तो खैर वो बाजार से प्रायोजित है, ऐसा कुछ नहीं। आपके मन के अंदर जो अच्छी भावनाएं हैं, किसी को देखकर खुशी होती है, उसके साथ रहने की इच्छा होती है, उसकी बातें सुनने की इच्छा होती है, तो वही प्रेम है। आपको उससे प्रेम है, फूलों से प्रेम होता है, प्रकृति से तो सबका प्रेम होता ही है, तो वही है उनका है। किसी से भी जो प्रेम का स्वरूप, प्रेम का बहुत अलग अलग स्वरूप है और सारे स्वरूप बहुत सुंदर है, विस्तृत है बहुत प्रेम का, बहुत ही विस्तृत। और उस विस्तृत संसार में रश्मि जी के पक्षी प्रेम से हमारी शुरुआत हुई थी और रश्मि जी ने बहुत एकदम सेफ आंसर, सुरक्षित आंसर दिया है कि प्रेम चिड़ियों से भी, फूलों से भी। और बिल्कुल बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही बात है कि प्रेम निश्चित रूप से किसी और प्रेम की भावना आपके अंदर होनी चाहिए, उससे सामने वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर अगर प्रेम की भावना होती है तो फिर आप प्रेम करेंगे ही, किसी भी चीज से होगी तो वो संवेदनशील होती है और प्यार तो होता ही है। सारा बसंत निर्देश सारा बसंत जी, हाँ चारू शुक्ला है प्रेम के ताने बाने को बड़े बेहद खूबसूरती से पिरोने में रश्मि की जादू है। देखिए हमें तो ये बात नहीं पता थी, ये चारू जी को पता है और ये स्वरूप सुंदर है। ये दोस्तों का प्यार है जो मेरे लिए ऐसा बोल रहे हैं। मैंने आपसे कह दिया था कि मैं इस विषय कोई चर्चा नहीं करूंगी, मैं कहानी पढ़ दूंगी। और मैंने सोचा कि थोड़ा सा पूरेटा जाए, शायद रश्मि जी मेरे साथ बात नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन चलिए ठीक। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल, नहीं तो मैंने इतनी प्रेम कहानियां लिखी कैसे होती। प्रेम की भावना तो होती है सबके अंदर बिल्कुल। आर्यन शर्मा जी का ये कमेंट है, आज के शामियाने था ही इतना अच्छा सी दर्शन देने को आपको बहुत प्रोत्साहित किया लेखन के लिए, कुछ चिड़ियों पर ही लिखी बच्चों के लिए। जी जी बहुत अभी कह रहे हैं, काफी लोग कह रहे हैं और चिड़िया अनायास ही आएंगी, वो कहानियों में आएंगी तो जरूर अनायास ही आएंगी, मतलब प्रयास से फिर वो चीज सुंदर नहीं होगी, वो अपने आप आए लिखते वक्त तो अच्छा है, तो सुंदर है। मैंने तो कोई दूसरी कहानी चुनी थी लेकिन आपने कहा कि वसंत का मौसम है तो चलिए प्यार एक है कहानी में अनकहा सच, आपका तो जो मैंने सोचा कि इच्छा हो आप वो कहानी सुने जो भी आप। हाँ वही अनकहा सच ही पढ़ती हूँ, वही सोचा मैंने, पहले तो दूसरी चुननी थी लेकिन फिर जब आपने कहा कि नहीं ऐसा तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं कहा सच पढ़ती हूँ। और ये मतलब खैर मैं कहानी के विषय में अभी बोल दूंगी तो एक धारणा बन जाएगी, इसलिए मैं पढ़ने के बाद उनकी जो भी जिसकी जो जो प्रतिक्रियाएं आएंगी तो ठीक है फिर कहानी शुरू करती हूँ। कहानी का शीर्षक है अनकहा सच। दोनों बच्चे शोर कर रहे थे,
आपस में उनका कुछ न कुछ बहस झगड़ा चल रहा था। शालिनी ने मुश्किल से उन्हें आंखें दिखाकर चुप कराया। उसकी तो सारी इंद्रियां सिमट कर बस कान बन गए थे। फ्लाइट के पायलट का नाम अनाउंस होने ही वाला था और धड़कन एक पल को रुक गई और फिर थकी सी ठंडी सांस वापस निकल गई। वो नाम नहीं था जिसका उसे इंतजार था। पता नहीं कभी यह रुकी हुई सांस उल्लसित होकर बाहर आ पाएगी भी या नहीं। वापस शिथिल होकर शालिनी ने सर पीछे को टिका दिया। जब से यहां वहां से उड़ती हुई खबर उसके कानों तक पहुंची है कि मानस ने डोमेस्टिक एयरलाइंस ज्वाइन की है, हर बार कैप्टन का नाम ध्यान से सुनती है कि शायद वही हो, जबकि उसे पता भी नहीं कौन सी एयरलाइंस ज्वाइन की है। एयरपोर्ट पर भी ट्रॉली और बच्चे संभालते निगाहें इधर उधर भटकती रहती। हर सोशल नेटवर्क पर भी उसे ढूंढने की कोशिश की पर निराशा ही हाथ लगी। पर क्यों, किस लिए उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी? यह सवाल खुद से भी कई बार पूछ चुकी पर जवाब कोई नहीं मिलता और अपनी बेवकूफी पर हंस भी पड़ती है। मानस का छठी क्लास वाला चेहरा ही सबसे पहले ध्यान में आता है, जब वह पहली बार उस पर इतना हंसा था, पर तब तो वह कितना रोई थी। इंग्लिश के नए टीचर आए थे। आते ही उन्होंने डस्टर पटका और रॉबिली आवाज में सबको नोटबुक निकालने के लिए कहा, फिर बहुत सारे कठिन ट्रांसलेशन बनाने को दिए, चेक करने के लिए सबकी कॉपियां जमा कर ली। सब उनसे डर तो गए थे पर 10-12 साल के बच्चे कितनी देर शांत रह पाते। धीरे धीरे बातें शुरू हो गई। शालिनी, रीता और शर्मिला भी सर जोड़े नई फिल्म की कहानी सुनने लगी, जो पिछले हफ्ते ही शर्मिला अपने नए जीजा जी और दीदी के साथ देखकर आई थी। अचानक जोर का एक चौक का टुकड़ा शालिनी के सर से टकराया। उसने सर उठाया और सर चिल्ला पड़े, क्या गपाष्टक हो रहा है, चलो बेंच पर खड़ी हो जाओ। तब इंग्लिश के सर भी हिंदी में ही बातें करते थे और कई बार तो लेसन भी हिंदी में ही एक्सप्लेन कर जाते। शालिनी को काटो तो खून नहीं, आज तक कभी डांट भी नहीं पड़ी और सीधा बेंच पर खड़ी हो जाओ। वो हतप्रभ हुए मुंह खोले देखती रही तो फिर से चिल्लाए, वो क्या देख रही हो, स्टैंड अप ऑन द बेंच, इस बार अंग्रेजी में बोली। शालिनी सर झुकाए खड़ी हो गई और आंखों से धार बंद चली। पूरा क्लास सकते में था, इसलिए नहीं कि सर चिल्ला रहे थे, इसलिए क्लास में हमेशा फर्स्ट आने वाली, कभी कोई शरारत ना करने वाली सारे टीचर की चहेती शालिनी बेंच पर खड़ी थी। क्लास के सारे बच्चे मुंह खोले उसे देख रहे थे। सर वापस कॉपियां चेक करने में लग गए। एक एक कॉपी चेक करते, बच्चे का नाम पुकारते, उस बच्चे को डांटते और फिर कॉपी उसकी तरफ फेंक देते। किसी ने अच्छा नहीं किया था। यह देख शालिनी का रोना और बढ़ता जा रहा था। अब सर के सामने शालिनी की कॉपी थी। उनका बड़बड़ाना बदस्तूर चालू था, कोई भी नहीं पढ़ता, किस लिए स्कूल आते हो तुम लोग, माँ बाप के पैसे बर्बाद करने। फिर माथे पर चढ़ी भ्रुकुटी थोड़ी शितुली, ये तो सही है, ये भी सही है, ओह ये भी सही। अब आश्चर्य का भाव चेहरे पर था, क्या बात है, ये भी राइट, 15 में से 12 राइट। अब थोड़ी सी मुस्कान तेराई थी इनके चेहरे पर। नाम देख पुकारा, शालिनी कौन है, वो चुप रही। हो इस शालिनी, फिर से अंग्रेजी पर आ गए। इस बार मानस ने हंसते हुए कहा, सर वो जो बेंच पर खड़ी रो रही है ना, वही है शालिनी। ओह सिट डाउन, ले जाओ अपनी किताब, ले जाओ अपनी कॉपी, यू हैव डन वेल। शालिनी उतर तो गई थी पर इतने अपमान के बाद कॉपी लेने नहीं गई। वे स्वर को कोमल बनाकर बोली, ले जाओ अपनी कॉपी। वो भी हठी की तरह खड़ी रही। इस बार मानस उठकर बोला, सर मैं दे आऊं, और हंस पड़ा, क्यों वो नहीं जा रही ना, तुम्हारा क्या नाम है। मानस, कितने नंबर मिले थे। जी 5। मुस्कुराहट अब भी वैसे ही जमी थी उसके चेहरे पर। और हंस रहे हो, शर्म नहीं आती, खड़े हो जाओ, बेंच पर खड़े हो जाओ, डांट कर कहा। पर मानस बेंच पर खड़ा भी हंसता ही रहा। घंटी बजी और सर के जाते ही सब दरवाजे की तरफ भाग ली। अंतिम पीरियड था और शर्म से सर झुकाए धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी कि आवाज आई, रोनी बिल्ली। खूनी आंखों से देखा तो मानस और उसके 4-5 शैतान दोस्त हंस रहे थे, बस वहीं विष बेल के बीज पड़ गए। फिर तो मानस कोई मौका नहीं छोड़ता उसे चढ़ाने का, उसी की कॉलोनी में 4 घर छोड़कर रहता था। साथ खेलने वाले सारे बच्चों को पता चल गया था शालिनी को बेंच पर खड़े होने की सजा मिली थी और वह रोई थी। खेल में भी मानस इतना तंग करता कि वह रो ही देती।
लुका छिपी खेलते तो पता नहीं कहाँ कहाँ छुपा रहता और फिर उसे धप्पा कर देता। बार बार शालिनी को ही चोर बनना पड़ता। अंत में तंग आ वह रो देती तो फिर मानस को चिढ़ाने का बहाना मिल जाता। कोई भी खेल शुरू करने से पहले कहता, मैं नहीं खेलता, हारने पर लोग रोने लगते हैं। सबकी आंखें शालिनी की तरफ उठ जाती, फिर सब मानस को मनाने में लग जाते और शालिनी गुस्सा पीते हुए खुद में ही सिमट जाती। शालिनी उसे गुस्से में घेर घूरती और वह दांत दिखाता रहता, पर इस बार गुस्से में घूरने की बारी मानस की थी। जब छमाही परीक्षा में शालिनी फर्स्ट आई और मानस को बहुत कम नंबर मिले, हर शाम की तरह वह शोभा के साथ बाहर टहल रही थी। मानस के घर के सामने से गुजरते हुए शोभा ने बताया कि आज अचानक वह मानस के घर गई तो देखा मानस की माँ मानस को आंगन में दौड़ा दौड़ा कर मार रही है और बोलती जा रही है, वह लड़की होकर भी फर्स्ट आ गई, इतने अच्छे नंबर लेकर आई और तुम मुश्किल से पास हुए, अब भागते किधर हो। उस दृश्य की कल्पना कर वह दोनों हंस पड़ी। उसी वक्त मानस घर से बाहर आ गया। दोनों अचकचा कर चुप हो गई, पर मानस समझ गया कि वे दोनों उसी पर हंस रही थी। उसे इतने गुस्से से घूरा कि अगर किसी देव ने कभी प्रसन्न होकर मानस को कोई वर दिए होते तो वो वहीं भस्म हो जाते। इस विष बैल पर अब पत्ते निकल आए थे और अब माँ की मार का बदला वह रोज उसे स्कूल में तंग करके लेता। धीरे धीरे मानस ने शाम को उन सबके साथ खेलना छोड़ दिया। अब वह मैदान में बड़े बच्चों के साथ क्रिकेट और फुटबॉल खेलने जाता। क्लास पर क्लास बढ़ते गए, पर स्कूल में शालिनी को तंग करना वैसे ही जारी रहा। फेयरवेल के दिन परंपरा अनुसार सबने साड़ी पहनी। शालिनी ने भी ढेर सारे पिन लगाकर माँ की आसमानी साड़ी पहनी। पड़ोस की बीना दी ने छोटे छोटे नग वाले इयर रिंग्स और पतली सी नेकलेस पहना दी। बाल खुले छोड़ दिए थे, हल्की सी लिपस्टिक लगा दी थी। पड़ोस की चाची ने देखते ही कहा, शालिनी की माँ, इसकी नजर जरूर उतार दीजिएगा। सहेलियां भी उसे देखते ही मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाँ पहचान में नहीं आ रही, कितनी सुंदर लग रही है तू। पर उस पर नजर पड़ते ही मानस ने मुंह बनाकर बोला, कोई शादी है क्या, लोग इतना सज धज कर स्कूल आते हैं। उसका सारा तैयार होना व्यर्थ हो गया और इसी डर के मारे कॉलोनी में अनीता दी की शादी में जब शालिनी ने सबके जिद पर साड़ी पहनी तो पूरे समय मानस के सामने पड़ने से बचती रही। एक बार जब एकदम से सामने आ गया तो शालिनी ने जल्दी से मुंह फेर लिया और वह धीमे से उसे सुनाकर बोला, पता नहीं घमंड किस बात का है। शालिनी सोचती रह जाती, कब किया उसने घमंड, फर्स्ट आना क्या घमंड करने जैसा है, अब वह उसकी खुशी के लिए फेल तो नहीं हो सकती। और उसने मुंह बिचका दिया, खाता रहे जितनी मार खानी हो अपनी माँ से, उसकी बला से। अब शालिनी गर्ल्स कॉलेज में आ गई तो मानस से पीछा छूट गया था, पर कहीं उसके तानों की इतनी आदत पड़ गई थी कि क्लास में सब सूना सूना लगता। मानस के घर में के बिल्कुल बगल में एक शर्मा अंकल ट्रांसफर होकर आए थे। उनकी तीन लड़कियां थी, तीनों का मानस के घर में आना जाना था। उनसे हमेशा मानस को हंसकर बातें करते देख शालिनी को थोड़ी सी कसक होती, फिर खुद से ही कहती, पर उसे क्या, जिससे मर्जी उससे बातें करे। एक बार शर्मा अंकल के यहाँ गई थी, बाहर ही उनकी बेटी निशा मिल गई। वो ऊन की सिलाइयां मानस की माँ को देने जा रही थी। उसे भी कहा, चल मेरे साथ। मैं नहीं जाती मानस के यहाँ। क्यों, ऐसे ही, उसके यहाँ कोई लड़की भी नहीं। तो क्या हुआ, वो तो स्कूल में तुम्हारी ही क्लास में था ना, पर तुम लोग कभी बात भी नहीं करते, झगड़ा है क्या उससे? नहीं, झगड़ा क्यों होगा, अरे झगड़ा तो किसी भी बात पर हो सकता है। वैसे मानस घर पर है नहीं, अभी अभी उसे बाहर जाते देखा, पता ना झगड़ा है उससे क्या। नहीं बाबा कोई झगड़ा नहीं, चलो चलती हूँ। उसकी बातों से बचने को शालिनी उसके साथ चल दी। निशा हर कमरे में चाची चाची कहती घूमने लगी, फिर चाची कहीं नहीं थी। तुम यहीं रुको, मैं छत पर देख कर आती हूँ, कहते निशा छत पर चली गई। शालिनी ने पाया चाची को ढूंढते हुए लोग मानस के कमरे में आ गए थे। मानस का कमरा बिखरा हुआ था, किताबें बिस्तर पर मेज पर सब तरफ फैली हुई थी। शालिनी को उत्सुकता हुई, कुछ पढ़ता भी है या यह सब ऐसे ही कोरी है। वह उसकी मेज पर आकर मानस की किताबें कॉपियां पलट कर देखने लगी। पहली नोटबुक जो खोली, नोटबुक करीब करीब भरी हुई थी। पिछले पेज पर सुंदर सा एक फूल बना हुआ था। ठीक ही सोचा था उसने, अब भी उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, यही ड्राइंग करता रहता है, पर फूल तो बहुत सुंदर बनाया है। पेंसिल से सुंदर शेडिंग की हुई थी। तभी शालिनी ने देखा फूल के बीच में बड़ी खूबसूरती से लिखा हुआ था शालिनी। उसके दिल की धड़कन अचानक बढ़ गई। फिर तो जल्दी जल्दी कई नोटबुक पलट डाले और तकरीबन सब में फूल पत्ती बेल बने हुए थे और बीच बीच में लिखा हुआ था शालिनी। एकदम से डर गई, पसीने से नहा गई।
जल्दी से बाहर निकल आई। चेहरा लाल पड़ गया था और दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि उसे खुद ही अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी। निशा के सामने पढ़ने की हिम्मत नहीं थी उसने। आंगन से ही आवाज लगाई शाली ने, निशा मैं जा रही हूँ। अरे रुक, मैं बस आ ही गई। निशा की आवाज भी उसने बाहर निकलते निकलते सुनी। घर आकर सीधा छत पर भाग गई। निशा क्या किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं थी उसने। सांसें जब सम पर आई तब दिमाग कुछ सोचने लायक हुआ। पर वह इतना घबरा क्यों रही है? क्या अकेली वही शालिनी है इस दुनिया में? उसके कॉलेज में लड़कियां भी तो पढ़ती हैं, उनमें से ही कोई होगी, या क्या पता जिन प्रोफेसर के यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता है उनकी बेटी का नाम हो। उसका नाम कैसे लिख सकता है? शालिनी की पढ़ाई में तेज होने के कारण उससे तो मानस बचपन से ही नफरत करता है। स्कूल में रीता शर्मिला सबसे बातें करता है, कॉलोनी में भी शोभा निशा से कितना खुलकर बात करता है, एक सिर्फ उससे दूर रहता है। दूर ही नहीं, हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश, कभी भी व्यंग करने ताने मारने से बाज नहीं आता। अब उसका नाम कैसे लिख सकता है? नामुमकिन। उस विष बेल में अमृत धारा कैसे बह सकती? और अगर सच में लिखा हो तो? नाना, मानस इतना हैंडसम है, इतना स्मार्ट, और वह कितनी छुई मीसी है, बस किताबी कीड़ा। ना, मानस को तो कोई अपने जैसी ही स्मार्ट लड़की ही पसंद आएगी जो जिसे चाहे मुंह पर जवाब दे दे, किसी से ना डरे। उसकी तो किसी को देखते ही जुबान तालू से चिपक जाती है, बेकार में सपने बुन रही है। और फिर जैसे खुद को ही पहली बार जाना, सपने। तो क्या उसे मानस से कोई नाराजगी नहीं? पहले तो उसे मानस पर बड़ा गुस्सा आता था। हाँ आता तो था, पर जब से कॉलेज अलग हुए हैं उसकी कमी बहुत खलती है। शालिनी ने अपना दिल टटोला। तो क्या वह मानस को मन ही मन पसंद करती है? फिर एक गहरी सांस निकल गई। पसंद करती भी हो तो क्या, ये सोचने का भी क्या फायदा, वो कभी मानस की पसंद हो ही नहीं सकती। ये जरूर कोई और शालिनी होगी, नहीं तो क्या अब तक मानस एक बार भी नजर उठाकर उसे देखता नहीं। इतनी सारी लड़कियों से बात करता है शिवाय शालिनी के, इसका मतलब उसे पसंद नहीं करता। हाँ शालिनी को तो उसके जैसा ही कोई पढ़ाकू पसंद करेगा, मोटी कांच के चश्मे वाला, चिपके बाल, पूरी बांह की शर्ट, गले तक बटन, या। और जैसे अपनी कल्पना से ही घबरा कर उठकर नीचे भाग गई। शुक्र है माँ घर में नहीं थी, वरना उसका बदहवास चेहरा देख पूछ ही बैठती क्या हुआ। शालिनी ने सोफे पर ले टीवी ऑन कर लिया, कुछ तो ध्यान बटे, पर स्क्रीन पर तो एक सुंदर सा फूल दिख रहा था जिसके अंदर लिखा था शालिनी। घबराकर आंखें बंद की तो पलकों में भी वही फूल मुस्कुरा उठा। उसने कुशन उठाकर जोरों से आंखों पर भींच लिया। पर इसके बाद से वह काफी डर गई थी। बालकनी में खड़ी रहती और दूर से भी मानस को आते देखती तो धड़कनें तेज हो जाती और वह झट से छुप जाती। लगता जैसे सबकी नजरें उन दोनों को ही देख रही हैं। निशा कितनी बार बुलाने आती, चलो बाहर टहलते हैं, पर वो उसे छत पर ले जाती कि कहीं मानस से आमना सामना ना हो जाए। कभी आते जाते मानस सामने पड़ भी जाता तो पसीने से नहा उठती और जल्दी से कतरा कर निकल जाती। मानस दिखता भी कम, निशा बताती बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा है। उसका मन होता कहे जरा उसकी कॉपियां पलट कर देखो, पढ़ता है या ड्राइंग करता है। पर जब 12वीं का रिजल्ट आया तो सब हैरान रह गए। मानस को 87% मार्क्स मिले थे जबकि 10वीं में मुश्किल से फर्स्ट क्लास आई थी। अब वह शालिनी के समकक्ष आ गया था जो पापा को शायद अच्छा नहीं लगा। बार बार कहते लड़कों का कुछ पता नहीं चलता, कब पढ़ने की लगन जाग जाए। माँ बहुत खुश थी, कहती मानस की माँ की चिंता दूर हो गई। हमेशा कहती थी तुम्हारी तो बिटिया है, वो भी इतनी तेज, और मानस तो लड़का होकर भी नहीं पढ़ता, कैसे मिलेगी नौकरी। मानस का अच्छा रिजल्ट उसे इस शहर से भी दूर ले गया। वह बड़े शहर में पढ़ने चला गया। जाने के एक दिन पहले शालिनी ने कई बार मानस को अपने घर के सामने से आते जाते देखा। कई बार दिल में आया जाकर बधाई दे दे। दूर से उसे आते देख साहस कर आगे बढ़ती, पर फिर हर बार वह ओट में हो जाती, हिम्मत ही नहीं हुई सामने आने की। शालिनी ने भी खुद को पढ़ाई में झोंक दिया, अपने भविष्य की रूपरेखा भी तय कर ली। ग्रेजुएशन के बाद कंपटीशन देगी, फिर एक बढ़िया सी नौकरी, बड़ी सी मेज होगी, फाइलों से लदी, सामने चपरासी हाथ बांधे खड़ा होगा, वाह क्या रुआब होगा। पर उसे कहाँ पता था, वह तो परीक्षा की तैयारी में उलझी है और घर वाले किसी और तैयारी में। यूं ही पढ़ाई से ब्रेक लेने के लिए किचन में कुछ डब्बे टटोलने आई तो बरामदे में बैठी माँ और पड़ोस वाली सिन्हा चाची का स्वर कानों में पड़ा। अब लड़की के भाग गए हैं और क्या, घर बैठे तुम्हें इतना अच्छा लड़का मिल गया, सिन्हा चाची थी। हाँ वो तो है, हमने अभी कहाँ कुछ सोचा था, वो तो इसकी बुआ आई थी, उन्होंने ही बताया कि उनकी पड़ोस में बहुत अच्छा लड़का है
उन लोगों को बस अच्छे घर की गोरी पढ़ने में तेज लड़की चाहिए। अरे तेज लड़की मतलब नौकरी करवाएंगे क्या, लड़का अच्छा कमाता तो है। सच कहूं तो मैं भी ऐसे ही हैरान हो गई थी, पर सुषमा जी ने जब बताया तो सुनकर बड़ी हैरानी हुई। लड़की पढ़ने में तेज होनी चाहिए ताकि बच्चे मेधावी हों। क्या क्या नखरे होते जा रहे हैं लड़के वालों के, पर इनकी दहेज की ज्यादा मांग नहीं, और शालिनी को तो दूर से बाजार में देखकर ही पसंद कर लिया था, वरना वह कभी तैयार होती, वो लड़की दिखाने के लिए तैयार होती कभी। दिमाग में क्या फितूर भरा हुआ है, बहुत पढ़ना है, कॉम्पिटिशन देना है, ऑफिसर बनना है, पर हमें तो बिना चप्पल घिसे अच्छा लड़का मिल गया, हम तो गंगा नहा लिए। अभी तो शालिनी को बताया भी नहीं है, परीक्षा होने वाली है उसकी, क्या पता रोना धोना शुरू कर दे कि नहीं करनी शादी। शालिनी घड़े से पानी ले रही थी, मन हुआ ग्लास दे मारे घड़े और सारा पानी फैल जाए किचन के साथ साथ उनके मंसूबों पर भी, पर कुछ नहीं कर सकी और अनजान बन वापस कमरे में लौट आई। बस किताब उठा जोर से दूर फेंक दी और बरसती आंखें तकिए में छुपा ली। पढ़ने का भी मन नहीं होता, नोटबुक खोलती तो बार बार मानस के उकेरे फूल पत्ते दिखने लगते, पर खुद को ही डांट देती, पता नहीं किस शालिनी का नाम वह लिखता रहता है और यहाँ वह दीवा स्वप्न देख रही है। इम्तहान खत्म हो गए, अम्मा ने सीधे सीधे ही खबर सुनाई, अमुक दिन को लड़के वाले आ रहे हैं। शालिनी ने रोना धोना तो नहीं किया लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा अभी शादी नहीं करेगी, आगे पढ़ेगी। अखबार पर नजरें गड़ाए पापा ने फैसला सुनाया, पढ़ने से कौन रोक रहा है, पढ़ती रहना, पर इतना अच्छा लड़का हम हाथ से नहीं जाने देंगे। पापा का फैसला पत्थर की लकीर, उसके विरुद्ध कहीं कोई सुनवाई नहीं। वह थी भी भीरू टाइप, बहस की हिम्मत ही नहीं हुई। जोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू हो गई, शादी का दिन भी नजदीक आ गया। घर जिस तेजी से मेहमान से भरने लगा उतनी तेजी से ही उसके दिल में खालीपन घर करने लगा, कोई उत्साह उमंग मन में जागती ही नहीं। शालिनी ने इस जीवन की कल्पना तो कभी नहीं की थी। उसके मन की इच्छा को भली भांति जानते हुए भी अगर माता पिता एक बोझ समझकर दूसरे हाथ में सौंप गंगा नहा लेना चाहते हैं तो ऐसा ही सही। मन इतना अवसाद से घिर चुका था, मानस का भी ख्याल नहीं आता, आता तो यही कि उसे कम से कम उसकी चाहना मिल जाए। आज शालिनी की शादी थी और उसे पीली साड़ी पहना, आंखों में काजल लगा एक कमरे में बिठा दिया गया था। सारे भाई बहन मेहमान चहकते हुए रंग बिरंगे कपड़ों में सजे इधर से उधर दौड़ते रहे। पल भर को हम उम्र बहने पास आ बैठती, फिर ही करती हुई बाहर चल देती। वो वीत राग से चुपचाप एक चटाई पर बैठी रहती। तभी माँ का तेज स्वर कानों में पड़ा, अरे मानस की माँ कहाँ जा रही है, खाना खाकर जाइए। कुछ दिनों से घर में सब चिल्लाकर बातें करने लगे थे, धीरे बोलना तो सब भूल ही गए थे जैसे। बस थोड़ी देर में आती हूँ, मानस की ट्रेन का टाइम हो चला है, वो आने ही वाला हो। अच्छा मानस आ रहा है, आप तो कह रही थी कि उसकी छुट्टी नहीं। हाँ पहले तो उसने यही कहा था, पर कल फोन किया कि 2 दिनों के लिए आ रहा है। बहुत अच्छा किया मानस ने, कॉलोनी के लड़के ही काम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा, जल्दी आइए उसे साथ लेकर। शालिनी को जैसे चोर का चक्कर आ गया, क्यों आ रहा है मानस, क्यों उसके लिए सब कुछ इतना मुश्किल बना रहा है, क्या पहले ही यह रहा कम दुष्कर नहीं। पर रोक नहीं सकी खुद को, खिड़की पर जा खड़ी हुई। कोई घंटे भर खड़े रहने के बाद जब पैर दुखने लगे तब जाकर उसकी नजरों के फ्रेम में एक आकृति नमोदार हुई और वह घबरा कर चटाई पर आकर वापस बैठ गई, सर घुटनों में छुपा ली। बरामदे में मानस के पच्चाब के साथ उसकी आवाज, नमस्ते चाची, प्रणाम दादी, सुन रही थी, जरूर छोटू को ढूंढ रहा होगा। पर उसकी पच्चाब तो शालिनी के कमरे तक आ रही थी, और पर्दा उठा वह भीतर दाखिल हो गया। शालिनी की झुकी गर्दन और झुक गई। शालिनी, इतने दिनों में पहली बार मानस ने बिना किसी व्यंग के उसका नाम पुकारा था, पर शालिनी का झुका सर नहीं उठ सका। शालिनी, इस पर मानस की आवाज थरथरा रही थी और शालिनी की आंखों से 2 बूंद पानी टपक गए। शालिनी, क्या हमेशा नाराज ही रहोगी, गीली हुआई थी मानस की आवाज और शालिनी की आंखों से आंसुओं की धार बन चली। ठीक है, दैट्स फाइन, बहुत बधाई हो, खूब खुश रहो तुम। और बहुत ही भारी थके कदमों से वो बाहर निकल गया। शालिनी जल्दी से सर उठा, भरे गले से मानस करना चाहा, पर तब तक मानस पर्दे उठा बाहर कदम रख चुका था। शालिनी की थमती रुलाई दूनी वेग से उमड़ पड़ी। बाहर माँ की आवाज सुनाई दी, आ गया बेटा, बहुत अच्छा किया, तुम लोगों को ही तो सब कुछ संभालना है, पर तुम मेरा एक काम करो, मेरा कैमरा तुम संभालो, फोटोग्राफर तो है ही पर वो सबको पहचानता नहीं ना, तो मेरे कैमरे से सारे करीबी लोगों की अच्छी अच्छी फोटो लेना। और कमरे माँ कमरे में आ गई,
शालिनी जरा अलमारी से कैमरा निकाल दो तो। शालिनी ने बिजली की फुर्ती से कैमरा निकाल के दे दिया। मानस के हाथों में कैमरा थमाते एक पल को आंखें मिली। मानस की आंखों में ऐसी कशिश, ऐसे भाव थे, उन नजरों की ताब सह नहीं सकी। नजरें झुका ली, आंखें फिर उमड़ आई। मानस के हाथों में कैमरा देखना था कि बच्चों की फरमाइश शुरू हो गई। एक हमारी फोटो लो ना, उधर से लड़कियों का झुंड खिलखिलाता हुआ आएगा। भैया एक फोटो हमारी भी। तभी मामियों चाचियों का ग्रुप टोकरी में कुछ सामान लिए शालिनी के कमरे तक आता दिखा और साथ में मानस को हिदायत, अंदर चलो, रस्म होने वाली, उसकी फोटो ले लेना। कैमरा संभालता मानस अंदर दाखिल हो गया। इसके पहले भी चाची मौसी मामी का ग्रुप शालिनी को अक्सर घेरे रहता और अजीब अजीब सी रस्में करवाता रहता। यहाँ चावल चढ़ाओ, यहाँ टीका करो। वह कठपुतली सिवनी बिना किसी एहसास के रस्म निभाई जाती, पर आज थोड़ी सी असहज थी। पूरे समय लगता रहा एक जोड़ी आंखें उस पर टिकी हुई। रस्म खत्म होते होते उसके पैर सुन्न पड़ गए थे। शालिनी ने आशा भरी आंखों से उन लोगों की तरफ देखा, पर वे लोग तो खुद में ही मगन थी। अरे ये तो लाल कपड़े में बांधा जाता है, सुपारी नहीं रखी, पान के पत्ते भी चाहिए क्या? जीजी अभी तो आपने बेटी की शादी की और सब भूल गई। किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था और एक हाथ उसकी आंखों के सामने आया। नजरें उठाई तो देखा मानस ने सहारे के लिए हाथ बढ़ाया है। वह उसकी आंखों का आग्रह समझ गया था। कैसे नहीं समझता, बचपन से बस आंखों की भाषा ही तो जानी है। मानस का हाथ थाम उठते हुए वह लड़खड़ा सी गई और मानस ने एकदम से थाम लिया। अरे संभल के, कितना स्वाभाविक सा लग रहा है सब कुछ, जैसे कितने पुराने गहरे दोस्त हों। वो बीच में फैली विश पे कहां विलीन हो गई। महिलाओं का सारा ग्रुप कोई मंगल गीत गाते हुए आंगन की तरफ चला गया और जैसे उसे होश आया, अपनी पसीजती हथेली उसने मानस के हाथों से छुड़ा ली। अब कमरे में सिर्फ मानस और शालिनी थे और थी बड़ी ही असहज करती हुई सी चुप्पी। शालिनी ने ही चुप्पी तोड़ी, खाना खाया? हाँ। झूठ, हंसी आ गई उसे। जब से आए हो कैमरा संभाले खड़े हो, खाना कब खा लिया? फिर से एकदम सहज उठा सा हो सब कुछ। मानस भी मुस्करा पड़ा, फिर थोड़ा रुक कर पूछा, तुमने खाया? नहीं, मेरा उपवास है, मुझे कुछ भी नहीं खाना। अरे क्यों? लड़कियों को शादी के पहले से ही ट्रेनिंग दी जाती है कि आदत बनी रहे, क्या पता ससुराल जाकर कुछ खाने को मिले या नहीं, या पता नहीं कब मिले। हंसती थी वह। बेकार की बातें हैं सब, ले आओ कुछ, खाओगी? भूख लगी है? नहीं, उसने जोर से कह दिया, मानो थोड़ा सा एकांत मिला है, उसे गंवाना नहीं चाहती हूँ। फिर से दोनों चुप हो गए। इस बार मानस ने ही थोड़ी देर अपनी हथेलियों को घूरते हुए कहा, बड़ी जल्दी थी तुम्हें शादी की। शालिनी ने एक नजर मानस को देखा और नजरें खिड़की से बाहर टिका दी। किसी ने कहा ही नहीं इंतजार करने को। कैसे कहता हुआ, कुछ बन तो जाता पहले। तुम कहां इतनी तेज टॉपर और मैं नकारा, किसी तरह पास होने वाला। तुम तो ऊंची डाली पे लगे एक फूल के समान थी। मैं वहां पहुंचने के लिए सीढ़ी बना ही रहा था कि वह फूल टूट कर किसी, और मानस ने बात अधूरी छोड़ दी। ऐसे क्यों सोचते हो तुम? तुम स्कूल के, कॉलोनी के, कॉलेज के हीरो थे, एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा शालिनी ने। मुझे सिर्फ एक का हीरो बनना था, तुम उसके हीरो थे, जरा जोर देकर शालिनी ने कहा तो मानस एकदम से पूछ बैठा, सच? शालिनी के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। शालिनी ने एक नजर मानस को देखा और नजरें खिड़की के बाहर आम के पेड़ की फुनगे पर टिका दी, जहां कुछ कोमल गुलाबी पत्ते उगाए थे। ऐसा ही कुछ कोमल सा उनके बीच भी तो उग रहा था, पर इन नवजात कोपलों की उम्र कितनी कम थी। वो पेड़ के कोपल की तरह प्रौढ़ हरे पत्तों में बदल पाएंगे कभी? हाँ सच, पर तुम तो पता नहीं किस शालिनी के नाम की माला जपते रहते थे, अपनी नोटबुक में उसका ही नाम लिखते रहते थे। उलाना भरा स्वर था शालिनी का। व्हाट? बुरी तरह चौंक गया वह। मानस की असहजता पर मुस्कुरा पड़ी शालिनी। हाँ मानस, एक बार निशा के साथ मैं तुम्हारे घर गई थी, देखा नोटबुक में फूल पत्तियों के बीच किसी शालिनी का नाम लिख रखा है, मैं देखते ही भाग गई। ये तो बहुत गलत है, यू चोरी चोरी किसी की किताब कॉपियां देखना, बैड मैनर्स, वेरी वेरी बैड मैनर्स। मानस का चेहरा लाल पड़ता जा रहा था। बोला, और मैं दूसरी किस शालिनी को जानता हूँ? फिर एकदम से शालिनी की नजरों में सीधा देखते हुए कहा, अगर ऐसा होता तो मैं आज यहाँ आता? पहले तो सोचा नहीं आऊंगा, फिर लगा मुझे यहाँ पहुंचना है हर हाल में। क्यों, कैसे? मैं कुछ नहीं जानता था। दो कपड़े बैग में डाले और सीधा स्टेशन आ गया। रात भर जागकर टॉयलेट के पास एक रुमाल बिछाकर बैठ कर आया हूँ, और तुम कह रही हो कोई और शालिनी होगी? दर्द से उसका स्वर भीग गया था। शालिनी की भी आंखें भर आईं। अब क्या फायदा मानस, तुमने जरा से हिम्मत नहीं की और कोई संकेत भी नहीं दिया, उल्टा उसे हमेशा चिढ़ाते खिझाते ही रहे। और चिढ़ाने की बात से सब पिछला याद आ गया, रोष उमड़ आया।
आज उसे सारा हिसाब लेना ही होगा। एकदम से बोल पड़ी, तुम्मी जी इतना चिढ़ाते रुलाते क्यों थे? तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए इतना भी नहीं समझती थी तुम? हाँ नहीं समझती थी, और जब समझने की उम्र आई तो तुम दूर चले गए, हताश होकर बोली। पता नहीं मुझे क्यों तुम हमेशा डरी सहमी सी लगती थी, लगता था तुम्हें किसी की सुरक्षा की जरूरत है। तुम्हें याद है हमेशा मैं तुम्हारे पीछे आता था और किसी को आवाज देकर जता देता कि मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ, पर तुमने कभी एक बार मुड़कर भी नहीं देखा। क्या देखती, मैं तो डर जाती थी, अब फिर कुछ चढ़ाओ और मैं कदमों की चाल तेज कर देती। बुद्धू हो तुम बिल्कुल, स्कूल में और किसी लड़की ने कभी तुमसे कुछ कहा, धमकिया, परेशान किया? नहीं ना, क्योंकि सब जानते थे तुम्हें परेशान करने का अधिकार सिर्फ मेरा है, वरना वो तुम्हारी सहेलियां रीता शर्मिला याद है कितना परेशान करते थे लड़के उन्हें। और जैसे उसे सब कुछ याद आया क्या, हंस पड़ा वो, उचक उचक कर बोर्ड पर सम बनाती तुम और बेंच पर खड़ी होकर रोती हुई, एकदम रोनी बिल्ली सी लगती थी। अच्छा और क्लास में मुर्गा बने तुम कैसे दिखते थे? शर्मा सर तो तुम्हारी पीठ पर किताबें भी रख देते थे और तुम इन्हें गिरा देते, सर तुम्हें आधे घंटे और खड़ा रखते। शालिनी के होठों पर भी मुस्कानती रही, उन्हीं सबसे तो दूर जाना था, मैं तुम्हारे काबिल बनना चाहता था, जी जान लगा दी थी मैंने पढ़ाई में, अब क्या पढ़ूंगा सब छोड़ दूंगा, झुंझला गया। बेवकूफी की बातें मत करो, मेरी पढ़ाई तो अकारत गई, तुम बहुत बड़े आदमी बनना मानस, मुझे अच्छा लगेगा। तुमने इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ क्यों कहा शालिनी, मानस ने आजीजी से कहा। किसने पूछा मानस, हम लड़कियों से कभी पूछते हैं, बता देते हैं बस, कई बार तो तुरंत बताते भी नहीं, दूसरों से पता चलता है कि उनकी शादी ठीक हो गई। गला भर आया था शालिनी का, मानस भी चुप हो गया, फिर पूछा, वैसे हु इज दिस लकी चैप? क्या पता, व्हाट डू यू मीन क्या पता, मिली नहीं हो? बिना देखे अंगूठी पहना देने और चम्मच से मिठाई खिला देने को मिलना कहते हैं, तो इतना मिली हूँ, बातें नहीं होती? हाँ हूँ मैं, अब बरामदे में फ्रिज पर फोन रखा है घर के बीच में, जैसे ही फोन आता है माँ चिल्ला कर कहती है शालिनी के लिए फोन है, टीवी बंद कीजिए, और सब घर में स्टैचू बन जाते हैं, ऐसे में कोई क्या बात कर पाएगा? और सच कहूँ तो मेरा मन भी नहीं होता, दिल उदासी में डूब जाता है, जाने क्यों। अरे चाचा जी ने बहुत अच्छा लड़का ढूंढा होगा, मस्ट बी अ गुड कैच, वरना तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारा कैरियर यूं बीच में नहीं छुड़वा देते, बहुत काबिल हो। उदासी घिराई थी मानस के सुर में, जिसने शालिनी को भी गहरे कहीं गहरे छू लिया। मानस मुझे बहुत डर लग रहा है, अनायास ही थरथरा आई थी आवाज उसकी। मानस का मन हुआ उसे आगे बढ़ गले से लगाकर उसके अंदर का सारा डर सूख लिया। एक आवेग सा उमड़ा, पर शालिनी की पीली साड़ी और मेहंदी रचे हाथ देखकर जो किसी और के नाम के थे, वैसे ही जड़ बना बैठा रहा। और तभी निशा और शोभा ने कुछ कहते इस कमरे में कदम रखा, मानस को देखकर एकदम से चौंक गई। अरे तुम कब आए? बेस्ट फ्रेंड की शादी में तो सब आते हैं, पर पक्के दुश्मन की शादी में आते पहली बार देखा, शोभा की आवाज में चहल थी। मानस और शालिनी की नजरें मिली और सारा अनकहा सिमट आया, क्या थे वे, दोस्त दुश्मन या क्या? निशा की नजर मानस के हाथ में थमे कैमरे पर पड़ी और वह मचल उठी। मानस शालिनी के साथ तुम्हारी फोटो लो ना, दोनों उससे लगकर खड़ी हो गई। और जब निशा ने उसे कंधे से घेर गीली आवाज में कहा इतना मिस करेंगे तुम्हें, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे हम लोग, शालिनी का इतनी देर से रुका आंसुओं का सैलाब बह चला। दोनों सहेलियां भी आंखें पोंछने लगी और उसे पता था कैमरे के पीछे भी किसी की आंखें गीली हैं। वह मानस से पहली और आखिरी आत्मीय बातचीत थी, बड़ी दीदियां उसे तैयार करने संवारने लगी, मानस भी नहीं दिखा। फिर जब स्टेज पर जयमाल के लिए सब लेकर जा रहे थे, शालिनी ने देखा मानस कैमरा लिए बिल्कुल सामने खड़ा है, नजरें मिली और वहीं जमकर रह गई। एक तीसरी उठी दिल में, अब वह किसी और के पहलू में बैठने जा रही है। शालिनी के कदम लड़खड़ा से गए, अरे संभालो, सबको लगा भारी लहंगा पैरों में फंस गया है। स्टेज पर तो सब यंत्रवत करती रही, लोगों की तालियां, हंसी ठहाको, कैमरे के लिए बार बार वो माला पकड़ना, सबके आग्रह पर मुस्कुराना, सब मशीनवत चलता रहा। पर जब कन्यादान के समय उसे माता पिता के बगल से उठा उस अजनबी के पास बिठाया जाने लगा, तो जैसे अंदर कुछ जोर का दर्द किया। सामने निगाहें उठाई तो पाया मानस की नजर उस पर ही जमी है। उसने मानस की ओर देखा और उसकी नजरों में इतनी शिकायत, इतना उलाहना भरा था कि मानस उसके नजरों की ताब नहीं सह सका। उसने गर्दन झुका, कैमरा किसी और को पकड़ाया और वहां से चला गया, और वह एक अनजान व्यक्ति के पास बिठा दी गई। अब उसका हाथ किसी और के हाथों में सौंप दिया गया था। शालिनी को पता था अब मानस नहीं आया और वह उसकी विदाई तक नहीं आया। शालिनी के पापा सिर्फ शालिनी की पढ़ाई की वजह से अपना ट्रांसफर कई बार रुकवा चुके थे, अब शालिनी की शादी के बाद उन्होंने भी ट्रांसफर दूसरी जगह ले लिया और मानस फिर कभी नहीं मिला। प्लीज टाई योर सीट बेल्ट, उपघोषणा से शालिनी की तंद्रा भंग हुई।
बच्चों को जगाया, उनकी सीट बेल्ट बांधी, प्लेन अब लैंड होने वाला था। शालिनी को कहाँ पता था, उसी समय देश के किसी दूसरे एयरपोर्ट पर यूं ही एक जोड़ी निगाहें उसके लिए भटकती थी। जब से मानस की माँ को वाया वाया किसी से पता चला था कि शालिनी अब छुट्टियों में बच्चों को लेकर प्लेन से ही मायके आती है, उन्होंने यूं ही मानस से एक बार पूछ लिया था, तुम्हें कभी मिली शालिनी? और आगे खुद ही जोड़ दिया, मिल भी गई तो पहचाने का कहाँ, अब तक कितनी बदल गई होगी। मानस ने मन ही मन कहा, माँ वो 80 साल की भी हो जाए तब भी पहचान लूंगा, उसकी आंखें और मुस्कुराहट तो नहीं बदलेंगी। और तब से स्कूल की छुट्टियां शुरू होते ही मानस की नजरें एयरपोर्ट पर किसी को ढूंढती रहती, पर क्यों किस लिए जवाब कोई नहीं मिलता। तो ये समाप्त हुई कहानी अनकहा सच मालिनी और सॉरी शालिनी और मानस की। बहुत सुंदर कहानी, बहुत सारे संदेश और संदिग्ध्या ने कहा कि मैं तो खो गई सुनते। बहुत शुक्रिया सबका, बहुत शुक्रिया। मैं बता दूं आप छोटी सी बात, तो मुझे अभी मैंने कमेंट्स नहीं पढ़े हैं कि लोगों को कहानी कैसी लगी, लेकिन इस कहानी पे मुझे बड़ी विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। एक किसी ने लिखा था, मैंने ये ब्लॉग पे लिखा था, डाला था, तो किसी ने लिखा था कि कत्ल कत्ल, आपने तो कत्ल कर दिया, दोनों को एक बार तो मिलना चाहिए। मेरे एक कजन है जो मुझसे बहुत छोटा है, उसने ब्लॉग पर पढ़ी ये कहानी, तो मुझसे वो थोड़ा शर्माता है, उसने अपनी बहन को फोन किया, दीदी से पूछो ना आगे क्या हुआ, मानस शालिनी का आगे क्या हुआ। तो ये डिफरेंट टाइप की कहानी, लेकिन क्या है कि शायद आज के बच्चे इसको नहीं समझेंगे, लेकिन बात यह है कि वो ये तो जानेंगे कि किसी समय ऐसा भी था, कभी इस तरह से भी मतलब माहौल, ऐसा भी माहौल होता था। ठीक है, आज चीजें बदल गई हैं, मोबाइल आने से तो बातचीत कुछ ऐसा रहा नहीं, कोई मुश्किल नहीं रही बातचीत में, और सब रूबरू होता है, सब कुछ बहुत कुछ बदल गया। इवन गाँवों में भी मैंने देखा है, गाँव में, कस्बों में, शहर में बहुत बदल चुका है, लेकिन ठीक है ये कहानी है तो सबको ये आभास तो होगा कि कभी ऐसा होता था, कभी ऐसी घटना होती। तो आप यहाँ बहुत सारी सहेलियां होंगी। हाँ, बहुत सारी सहेलियां हैं, मैं सबके मित्र भी हैं। जी, मैं सबके कमेंट्स आपको पढ़ के सुनाती जा रही हूँ, मैंने बीच बीच में डाले थे लेकिन आप कहानी पढ़ने में मशगूल थी तो हाँ नहीं, मैं जान के नहीं पढ़ा कि फिर वो व्यवधान आता है, इसलिए हाँ, मैंने नहीं पढ़ा। हाँ बताइए। तो मैं का ये वंदना गुप्ता जी ने लिखा है, मैंने लिखा था मानस और शालिनी के प्रेम को देखा ने उभारा तो बहुत संजीदगी से, लेकिन अंत जिस तरह किया वो रास्ते नहीं आया। और सॉरी वंदना। वंदना वाजपेयी जी ने कहा है, बहुत सुंदर कहानी। सुजाता नंदन वेरी इमोशनल। इला सिंह ने कहा कि उन दिनों की बात है, रियली सच में उन दिनों की बात है। सुधा त्रिपाठी शुक्ला जी कह रही है, मैं तो खो गई थी कहानी में। वंदना वाजपेयी जी कह रही है, रश्मि जी आप गांव में रही है, वहाँ प्रेम की अभिव्यक्ति का अभी कैसा है, ये बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बदल गया है। हाँ हाँ वंदना जी, मैं गांव में काफी अभी पिछले वर्ष रही थी, तो बिल्कुल बदल गया है अब गांव में भी, बिल्कुल शहर क्या है, टीवी का प्रादुर्भाव और मोबाइल का, इससे सीन बिल्कुल बदल चुका है। वहाँ भी एंगेजमेंट होते ही लोग मतलब मोबाइल लड़की को गिफ्ट ही कर देते हैं, लड़के वाले मतलब लड़का लड़का वो गिफ्ट कर देता है, फिर उसकी बातचीत शुरू हो जाती है उन लोगों की। फिर उनकी बातचीत बिल्कुल बदल गया है, अब वो सब बातें नहीं है। शायद मिलने भी मिलने तो हैं, मतलब मिलने में तो शायद अभी भी थोड़ी सी मिलते नहीं है वहाँ लोग, एंगेजमेंट में ही मिलते हैं या फिर जब लड़की दिखाई, यूं नहीं मिलते जैसे शहरों में मिलते हैं, लेकिन है ही, लेकिन बाकी स्वरूप बदल गया, बातचीत होती है सब कुछ जैसे शहरों में होता है, बिल्कुल गांव में भी वैसे ही होता है। और कोई ये नहीं, किसी भी तबके में, ये नहीं कि सिर्फ आप ऊंचे तबकों में ही होता, किसी भी तबके में सबको मोबाइल तो आपको पता ही है, सबको सहज सुलभ है, तो मोबाइल पे बातें होती हैं घंटों दिनों महीनों, और सबको एक दूसरे के बारे में पता होता है, बस मिलना नहीं होता। और लेकिन मिलना मुझे लगता है कि शहरों में भी अगर लड़का दूसरे शहर में काम कर रहा है तो कम ही होता होगा मिलना, शहरों कस्बों में भी, जब तक एक ही शहर से दोनों। जी जी, ये गांव में परिवार की भी बात है और बहुत कुछ माहौल की भी बात है, लेकिन ये बात तो सच है कि प्रेम का जो स्वरूप पहले हुआ करता था वो स्वरूप अभी हाँ। है मुझे नहीं पता वंदना जी कितनी बड़ी हैं, लेकिन वंदना जी को इसके अंत पर ही हुई
वो यही बात बार बार कह रही हैं कि अंत पर ही तो ऑब्जेक्शन था इतनी प्यारी कहानी का जहाँ पर्पल धड़कन बढ़ रही। हाँ, मैंने तो लिख दी कहानी। हाँ, अब ये पाठकों के दरबार में है कहानी। मैंने आपसे पहले ही बताया कि किसी ने तो मुझे बोला कि आपनी कहानी का कत्ल कर दिया, आपने दोनों को एक मौका तो मिलता था ऐसा मिलने का। फिर ठीक है, लेखक ने तो कहानी लिख दी और अब पाठकों का स्वीकार भी होना चाहिए उनका। अगली कोई कहानी में हो तो ध्यान रहेगा कि हैप्पी एंडिंग हो, लेकिन नहीं भी होता है। और मुझे राजुल जी, आपकी जो मैंने ये कहानी चुनी, आपने जब मुझसे कह रही थी कि प्रेम कहानी बड़ी, तो आप मुझे बता रही थी कि अच्छा कोई भी कहानी जैसे गहरी सी टीस हो, कोई टीस मन में हो, तभी मैंने ये कहानी चुनी कि टीस तो है ही मन में दोनों के। जब ये लाइन आपने बोली कि कोई जैसे टीस भी रह जाती है प्रेम की, तो मैंने कहा चलो एक प्रेम, प्रेम का वो रूप सबसे सुंदर होता है जिसमें न कुछ पाने की न कुछ होने की कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन फिर भी उसमें भी प्रेम जो है वो अपने पूरे हलते फुलते रूप में जब वो बहुत सुंदर। और मैं ऐसा नहीं कहती जी जी, और मैं ये नहीं कहती कि आज भी प्रेम नहीं है। मेरे पास इतने उदाहरण हैं यहाँ पर मुंबई शहर के पूरे आधुनिक लड़कों के, कि मतलब वो प्रेम के लिए क्या नहीं किया है उन्होंने और कैसे करके मिले हैं। वो लोग अलग नहीं हुए, मेरी कहानी में तो लड़की थी, ये उस समय की बात, ये इला सिंह ने कहा ना, ये उन दिनों की बात थी। तो उन दिनों कुछ ऐसा ही माहौल था, बातें नहीं होती थी, मिलते जुलते नहीं थे। तो लेकिन प्रेम आज भी उतना ही गहरा है, ये नहीं कि नए युवा प्रेम नहीं करते, युवा भी प्रेम के लिए, मेरे पास इतने किस्से हैं कि मैं कभी अभी तो टाइम ये हो रहा है, मैं बताऊंगी कभी। वंदना गुप्ता जी का एक और कमेंट है, जानती हूँ रश्मि आज ही के दिन मैंने बंद दरवाजों का शहर कहानी संग्रह की समीक्षा। ओ हो, बहुत बहुत शुक्रिया वंदना गुप्ता से। हम लोग ब्लॉग से जुड़े हुए हैं, ब्लॉग से एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे की सारी चीजें पढ़ते। वंदना ने मेरी कांच के शहमेने की इसकी बड़ी अच्छी समीक्षा लिखी थी। नहीं होता हम जानते हैं जी। और शायद ये भी होता है कि वो टीस जो रह जाती है तो वो कहानी, मतलब मैं एक कहानी मेरी हैप्पी एंडिंग थी तो उसमें वो मैं धारावाहिक रूप में डाल रही थी वहाँ पे ब्लॉग पे, तो कहानी के एंड के पहले वहाँ लोगों में, पाठकों में बातें होने लगी थी और उन लोगों ने किसे, कोई कहता था कि नहीं नहीं हैप्पी एंडिंग नहीं, दोनों नहीं मिलेंगे, कोई कहता था कि मिलेंगे, आपस में बातें हो रही थी। मैं तो जानती थी कि एंड क्या है। मैंने एंड जब डाला तो एक हैं बहुत बड़े वो पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि ठीक है लेकिन ये तुम्हारी कहानी अमर नहीं होगी, यहाँ हैप्पी एंडिंग हो गए, दोनों मिल गए ना, अगर ये कहानी तुम दोनों को नहीं मिलने देती तो फिर ये मतलब उन्होंने बड़ी बात कह दी थी, शिवी फरहाद उन लोगों की तरह ही हमें शुरू हो जाती कहानी। लेकिन और मैं आपको बताऊं, जब वो मैंने कहानी लिखी थी मैं कॉलेज के समय में, तो मैंने हैप्पी एंडिंग नहीं था, लेकिन फिर जब मैंने दोबारा मतलब अपने 40 ईयर्स की उम्र में, मतलब अलग होता है ना, 18 साल की उम्र जो सोचती है वो 40 साल का नहीं सोचता, तो फिर वो जब बाद में मैंने लिखा तो मैंने उसकी हैप्पी एंडिंग कर दी। और इसीलिए ये वंदना जैसे पाठकों के डर से ही। वैसे एक और प्रतिक्रिया है दिव्या की, ये कह रही है कि मुझे अच्छा लगा ये अंत, सारी कहानी में तो एक ही अंत होता है, मिल जाती है, यही बात तो इस कहानी को अलग बनाया। बहुत शुक्रिया दिव्या जी, आपने समझा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और वंदना वाजपेयी जी कह रही है जब प्रेम कहानी में तीस हो तो कहानी दिल में गड़ जाती है, दिल में गड़ गई है वंदना जी, और बहुत अच्छा लगा है, सहमत तभी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दोनों वंदना का। हाँ हाँ, और आप सभी, एक बार मैं सबको थैंक यू बोल देती हूँ, सभी जो लोग भी सुनने आए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये इतवार का दिन अपने व्यस्त समय से मतलब व्यस्त दिनचर्या से समय निकाल कर आप लोगों ने कहानी सुनी। सबका मैं नाम बाद में सबको पढ़ के शुक्रिया अदा करूंगी, लेकिन अभी मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने ध्यान से सुना सबने। रश्मि जी, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने प्रकाशक के पटल पर थोड़ा सा वक्त निकाला, हमारे इस कार्यक्रम में आपकी शिरकत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। बहुत शुक्रिया आपका भी। और मैं थोड़ी बहुत, जैसे नेहा ने आपको बताया था कि वो नहीं आती है ऑनलाइन, नेहा ने आपको कह दिया था, लेकिन मैं थोड़ी सी हिचकती हूँ, पर आप ले आई, ठीक है, स्वागत, अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा आके, थोड़ा प्रयास तो एफर्ट तो डालनी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे जब नेहा ने कहा था कि नहीं उस ऑनलाइन कार्यक्रमों में उनकी दिलचस्पी नहीं है, तो मैंने कहा था अच्छा देखो फोन नंबर तुम देना, मैं एक बार देख पूछ कर देख जी जी चाहेंगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो और मुझे अच्छा लग, हाँ बोलिए,
और मुझे अच्छा लगता है कि दोस्त मुझे इतनी अच्छी तरह समझते हैं, नेहा मुझे इतनी अच्छी तरह समझती है। बहुत शुक्रिया। आपका आना बहुत अच्छा लगा जी। आपका भी राजुल जी बहुत शुक्रिया, और आपने बहुत अच्छे से अरेंज किया, बहुत थोड़ी तकनीकी वो दिक्कतें भी आई उसको भी आपने सॉल्व किया, तो और सभी सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इजाजत देते हैं। यस बहुत बहुत जी। नमस्ते। बाय बाय।